भगवान शिव के 11वें अवतार भगवान हनुमान का जन्म पूरे देश में धूमधाम और आस्था के साथ मनाया जाता है। चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान को बल, बुद्धि, विद्या, शौर्य और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। भक्त इन्हें कई नामों से पुकारते हैं, जैसे चिरंजीवी, बजरंग बली, संकट मोचन और आंजनेय आदि। ज्योतिषियों की गणना के अनुसार संकट मोचन का जन्म 58,112 वर्ष पूर्व चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न के योग में सुबह 6 बजे हुआ था। पौराणिक कहानी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब अग्निदेव से मिली खीर राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बांट दी तो कैकेयी के हाथ में से एक चील ने झपट्टा मारकर कुछ खीर मुंह में ले ली और वापस उड़ गई। जब चील देवी अंजना के आश्रम के ऊपर से उड़ रही थी तो अंजना ऊपर देख रही थी। अंजना का मुंह खुला होने के कारण खीर का थोड़ा भाग उसके मुंह में आकर गिर गया और अनायासी वह उस खीर को खा गयी, जिससे उनके गर्भ से हनुमान जी ने जन्म लिया। श्रद्धालु हनुमान जयंती के दिन बजरंग बली को सिंदूर का चोला, लाल वस्त्र, ध्वजा आदि चढ़ाते हैं। केसर मिला हुआ चंदन, कनेर और पीले फूल, धूप अगरबत्ती, गाय के शुद्ध घी का दीपक अर्पित किया जाता है। नारियल और पेड़ों का भोग लगाया जाता है। भजन कीर्तन और जागरण कराने का विशेष महत्व है। हनुमान जयंती के दिन सुंदरकांड, हनुमान चालीसा आदि का पाठ किया जाता है। इस दिन कई जगहों पर मेला भी लगता है। भारत समन्वय परिवार की ओर से आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही और वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल भारत माता को सब्सक्राइब करें।